हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिन लोगों का चैनल मोनिटाइज है और जिन लोगों का रेवेन्यू काफ़ी कम आ रहा है और जो अपना अर्निंग इंक्रीज करना चाहते हैं तो उन लोगों ये वीडियो देखेंगे तो ही उनको समझ में आएगा जिन लोगों का चैनल मोनिटाइज है। तो आज मैं RPM पे बात करूंगा, RPM कैसे अपना इंक्रीज करके आप लोग जो है अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका जो है अर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपका जो है अर्निंग इंक्रीज होने में। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। RPM कैसे इंक्रीज करना है और RPM का फुल फॉर्म क्या होता है और CPM का भी फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे हम अपने YouTube एनालिटिक्स में जाते हैं वहाँ पे हमें RPM शो होता है और RPM देखिए यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। RPM जो हमारा अभी चल रहा है 0.33 जो है RPM चल रहा है डॉलर। तो इस तरह से हमारा जो CPM भी होता है, CPM हम लोग के लिए नहीं होता, CPM और RPM में जो है इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ। CPM का जो फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल, और इसका यानी कि मतलब हो गया आपको जो एडवर्टाइज़र है उसे कितना पे करना पड़ रहा है गूगल को अपने ऐड दिखाने के लिए। जो है बहुत सारे चैनल पर जो ऐड चलता है, जैसे मैं भी अपना यदि ऐड कैंपेन करता हूँ और उसमें मुझे कितना गूगल चार्ज करेगा, 1000 जो है व्यूज़ पे मुझे कितना डॉलर पे करना पड़ेगा गूगल को, तो वो हो गया आपका जो है एडवर्टाइज़र के लिए। तो इसे हमें नहीं समझना है। तो जो लोग अपना एडवर्टाइज़र करवाते हैं उनको जो है कॉस्ट पर माइल समझना होगा, लेकिन हमें जो है RPM समझना होगा, क्योंकि हमारे लिए RPM ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे हम लोग अपनी अर्निंग पता कर सकते हैं हमारी अर्निंग कितनी हो रही है। तो इसी वीडियो में RPM का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू पर माइल। तो इसका जो मतलब है हमें 1000 व्यू पे कितना डॉलर बन रहा है, तो कैलकुलेशन भी होता है रेवेन्यू पर माइल का, तो उसे भी अब मैं आपको करके बता दूंगा। जैसे कि आपका कितना RPM चल रहा है उसी रेट के हिसाब से आपको जो है मल्टीप्लाई करके अपना जो है RPM निकालना होता है, लेकिन जो है डेली का RPM आपको शो ही हो जाता है एनालिटिक्स में। तो आपको जोड़ घटाव करने का इतना भी जो है ज़रूरी नहीं है, तो आप अपना जो है एनालिटिक्स में जाके RPM देख भी सकते हैं कितना भी चल रहा है। तो जो है मैं आपको RPM इंक्रीज करने का जो है फॉर्मूला बताऊंगा और आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको PC या मोबाइल के थ्रू आप ये कर सकते हैं, तो मैं अपने जो है PC के थ्रू या मोबाइल के थ्रू इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो कंप्लीट एंड तक देखिएगा उस प्रोसेस को। उस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने जो है वीडियो में कीवर्ड लगाएंगे तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा RPM इंक्रीज होगा और उससे आपको अच्छी खासी अर्निंग आने लगेगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग का अर्निंग इंक्रीज होगा। चलिए फटाफट हम लोग अपने जो है ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं और PC या मोबाइल के थ्रू मैं चलिए फटाफट आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको रेवेन्यू पर माइल को इंक्रीज करना है यानी कि RPM को। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, PC में आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है या आप तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल एडवर्ड, और गूगल एडवर्ड आपको यहाँ पर सर्च आ जाएगा। और देखिए अभी थोड़ा हमारा लोड ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ से भी आप बहुत सारे जो है गूगल के प्रोडक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे गूगल फोटो, गूगल एडवर्ड, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे गेट पे लिंक पे क्लिक करना है और गेट स्टार्ट पे, तो यहाँ पे आप साइन अप हो जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से आप अपने जो है टूल पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करके आप अच्छे अच्छे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं जिसपे आपको ज़्यादा रेवेन्यू। और यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स क्लिक करना है आपको, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है आपके वीडियो का, आप उस तरह का टाइटल यहाँ पे सर्च करिए, और कौन सा टाइटल आपको जो अपने वीडियो में यूज़ करना है उस तरह का टाइटल यहाँ पे आप डाल दीजिए। और उसके बाद वहाँ पे देख लीजिए कौन से जो है कीवर्ड पे यहाँ पे सर्च करना है, और यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है लोकेशन में, तो इसे आपको ऊपर में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं माउस ले जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए हाई जो है सीट, देखिए यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक किया, और यहाँ पे इंडिया पे क्लिक कर लेना है। और आप भी जिस भी कंट्री से हो वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कौन से जो है कंट्री के ज़्यादा CPC बन रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे टॉप जो है यहाँ पे लास्ट पहले 6 मंथ जो है लास्ट मंथ कर लीजिए, यदि आपका जो है जिस मंथ से 1 मंथ पीछे कर लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में कितना जो है RPM इंक्रीज हो रहा है और कितना CPC जो है किन कीवर्ड पे ज़्यादा बोली लगी है। तो इस तरह से पता करके आप अपने वीडियो में देखिए मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई है मेरे और एक चैनल टेक्निकल दीपक 2020 पे, तो वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है किसी एक कीवर्ड पे, देखिए इसका जो है $1.37 है। तो आप इस तरह से क्लिक करके जो है सर्च पता कर लीजिए, और उसे जो है नोटपैड या अपने मोबाइल में भी जो है
कहीं पे पेस्ट करके चेक कर लीजिए। देखिए आपका जो सिटी जो है क्या कीवर्ड इसमें यूज़ किया गया है। तो देखिए मैं अभी अपना नोटपैड खोल रहा हूँ और जैसे ही नोटपैड खुल जाता है और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमें पता चलेगा। देखिए मैंने अपना नोटपैड खोला और यहाँ पे इसे जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पता चल जाएगा मुझे कि कौन सा कीवर्ड इसमें यूज़ किया गया है और कौन सा कीवर्ड पे ज़्यादा आरपीएम बन रहा है। इस तरह से आप अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं और अपने यूट्यूब का जो है अर्निंग बढ़ा सकते हैं। और इससे काफ़ी देखिए यहाँ पर लिखा हाउ डू यू मेक ऑनलाइन मनी। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में अपना कीवर्ड यूज़ करिए और इस तरह से आप अपना जो है आरपीएम को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी यूट्यूब अर्निंग को। देखिए यहाँ पे $2.94 दिखा रहा है तो ये भी हाई सीपीसी वाला जो है कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड पे आप लोग वीडियो बनाइए। अभी इस तरह से कीवर्ड पे आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी अर्निंग इंक्रीज, तो इस तरह से आप अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलते हैं। जय हिंद वंदे मातरम।